बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की पिछली दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद आमिर खान ने फिल्मों से दूरी बनाने का मन बना लिया है। आमिर ने कहा है कि वो फिल्मों में पिछले 35 सालों से काम कर रहे हैं, वो भी बिना रुके। अब उन्हें अपने परिवार को भी कुछ वक्त देना चाहिए, इसलिए वो अगले 1-1.5 साल फिल्मों से दूर रहेंगे। आमिर खान का इन दिनों बुरा वक्त चल रहा है, जहां ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद लाल सिंह चड्ढा भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। इसके बाद आमिर खान गुलशन कुमार की बायोपिक मूवी मोगलू करने वाले थे, पर वो भी किसी वजह से नहीं बन पाई। इसके बाद उन्होंने चैंपियंस मूवी साइन की थी, लेकिन अब उन्होंने इस फिल्म को भी छोड़ दिया है, लेकिन वो इस मूवी को प्रोड्यूस जरूर करेंगे। लगता है कि आमिर भी शाहरुख खान की तरह अपनी फिल्मों के लगातार बॉक्स ऑफिस फेलियर से आहत हो चुके हैं, इसलिए उन्हीं की तरह फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बना चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अगले किस से वापसी करने वाले हैं बॉलीवुड में। गाइज, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।